नमस्कार, शुरुआत करते हैं रिकैप से। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 9 अगस्त। स्क्रैप आयातक के रूप में भारत किस पायदान पर है? उत्तर है दूसरे। एक्वेडिक वाटर रिस्क एटलस में हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक भारी जल संकट का सामना कर रहे दुनिया के 17 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? इसका उत्तर है 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस के मामले में पहले पायदान पर है? इसका उत्तर है मणिपुर। किस मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार 2019 का चौथा संस्करण लॉन्च किया है? इसका उत्तर है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। हाल ही में किसने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड के चौथे संस्करण को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है नीति आयोग। किस मंत्रालय ने समग्र शिक्षा जल सुरक्षा अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। वैज्ञानिकों ने हिरेकल्स इनएक्सपेक्टेटस नामक विशालकाय तोते के जीवाश्म की खोज हाल ही में किस देश में की है? उत्तर है न्यूजीलैंड। सुर्खियों में रहा शब्द अर्का सुप्रभाद क्या है? उत्तर है आम का एक प्रकार। हाल ही में जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी हाशिम आमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने 9 साल की बालिका को मुख्यमंत्री के ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, मणिपुर, असम या सिक्किम। हाल ही में मणिपुर सरकार ने 9 साल की एक बालिका को मुख्यमंत्री के ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाया है। इस बच्ची का नाम एलांगबंग वेलेंटिना देवी है। दरअसल इस बच्ची का रोता हुआ एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, क्योंकि इस बच्ची द्वारा लगाए गए पेड़ को सड़क निर्माण कार्य हेतु काट दिया गया था। लिहाजा मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अलांगबम वेलेंटिना देवी को अपने ग्रीन मिशन का एम्बेसडर बनाने का निर्णय लिया। आइए अब मणिपुर के बारे में देख लेते हैं। इसकी राजधानी इम्फाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, गवर्नर पद्मनाभा आचार्य हैं। यह नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ अपनी राजकीय सीमा साझा करता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। यहाँ का स्टेट बर्ड नॉनगीन, स्टेट एनिमल सेंगई। यहाँ लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीट है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकतक झील मणिपुर में ही है। इसे दुनिया की एकमात्र फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है। यह झील फुमडीज का अनोखा घर है। इस झील को मणिपुर की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। लोकटक झील के अलावा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर की खासियत है। तो कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर। आज के सेशन का पहला सवाल, नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 के मुताबिक निम्नलिखित में से किस राज्य ने मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। हाल ही में 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह अब तक का 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, जिसकी घोषणा फीचर फिल्म के जूरी हेड राहुल रवेल ने की। नेशनल फिल्म अवार्ड्स को कुल 31 कैटेगरीज में दिया गया है। उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। इस क्रम में बधाईहों को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है। पैडमैन को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू का अवार्ड मिला है। आदित्य धर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विकी कौशल को फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड पद्मावत को घूमर के लिए मिला है। वहीं बेस्ट रीजनल फिल्म्स की बात करें तो बेस्ट राजस्थानी फिल्म है टर्टल, बेस्ट तमिल फिल्म है बारम, बेस्ट मराठी फिल्म है भोंगा, बेस्ट हिंदी फिल्म है अंधाधुन, बेस्ट उर्दू फिल्म है हामिद, बेस्ट तेलुगु फिल्म है महानती, बेस्ट असमीज फिल्म है बुलबुल कैंसिंग और बेस्ट पंजाबी फिल्म है हरजीता। सवाल में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड किसने जीता है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या 11 अगस्त। हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के अहम उद्देश्य हैं पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना। इस वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस की थीम है
इस्तेमाल किए जा चुके कुकिंग ऑयल से जैव डीजल का उत्पादन करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल। जैव ईंधनों के विभिन्न फायदों में आयात निर्भरता में कमी, स्वच्छ पर्यावरण, किसानों को अतिरिक्त आमदनी और रोजगार सृजन शामिल हैं। भारत सरकार ने 2018 में जैव ईंधनों पर जारी राष्ट्रीय नीति में प्रयुक्त अथवा इस्तेमाल में लाए जा चुके कुकिंग ऑयल से जैव ईंधन का उत्पादन करने की परिकल्पना की थी। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में साल 2030 तक हाई स्पीड डीजल में 5% जैव डीजल को मिश्रित करने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। मौजूदा समय में भारत में हर महीने लगभग 850 करोड़ लीटर हाई स्पीड डीजल की खपत होती है। तो दूसरे सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्स रेशियो एट बर्थ के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस है केरल, मेघालय, सिक्किम या पंजाब। हाल ही में संपन्न संसदीय सत्र के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यवार लिंगानुपात के आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक सेक्स रेशियो एट बर्थ के मामले में केरल शीर्ष स्थान पर है। 2005-06 के मुकाबले 2015-16 में जन्म के समय लिंगानुपात 1047 था, जो कि सबसे ज्यादा है। इस दौरान पंजाब ने काफी तीव्र बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी वहां 2015-16 में जन्म के समय लिंगानुपात मात्र 860 ही था। 2015-16 में जन्म के समय लिंगानुपात के मामलों में शीर्ष राज्यों अथवा संघ शासित राज्यों के क्रम की बात करें तो इनका क्रम है केरल, दादरा एवं नगर हवेली, मेघालय, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और गोवा। 2015-16 में जन्म के समय लिंगानुपात के मामलों में निम्न राज्यों अथवा संघ शासित राज्यों का क्रम देखें तो इसमें क्रम है सिक्किम, दिल्ली, हरियाणा, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पंजाब। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 4, विरासत ए खालसा संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है करतारपुर, अमृतसर, चंडीगढ़ या आनंदपुर साहिब। हाल ही में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने विरासत ए खालसा संग्रहालय में एक दिन में अधिकतम पर्यटकों द्वारा भ्रमण करने के रिकॉर्ड की पुष्टि की है, लिहाजा यह संग्रहालय एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि यह संग्रहालय पंजाब के आनंदपुर साहिब शहर में स्थित है। पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सचिव विकास प्रताप के अनुसार इस संग्रहालय में 20 मार्च को 20,569 आगंतुकों का रिकॉर्ड स्तर देखा गया था। इस आंकड़े के कारण यह संग्रहालय भारतीय उपमहाद्वीप में एक दिन में सबसे अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण किए जाने वाला संग्रहालय बन गया है। इस संग्रहालय का उद्घाटन नवंबर 2011 में किया गया था। विरासत ए खालसा को पंजाब और सिख धर्म के समृद्ध इतिहास और संस्कृति के स्मरण के उद्देश्य से बनाया गया था। आइए बात करते हैं पंजाब की। यह उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है। पंजाब नाम दो शब्दों पंज यानी पांच प्लस आब यानी जल से बना है, अर्थात पांच नदियों की भूमि। ये पांच नदियां हैं सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। पंजाब के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी है। पंजाबी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है आनंदपुर साहिब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विदेशों में रुपया बाजार पर गठित आरबीआई टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस है शक्तिकांत दास, एमके जैन, उषा थोराट या बीपी कानूनगो। विदेशों में रुपया बाजार पर गठित आरबीआई टास्क फोर्स की अध्यक्ष उषा थोराट हैं। हाल ही में इस टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई के गवर्नर को सौंपी है। इस रिपोर्ट ने सिफारिश की है कि देश के भीतर रुपया बाजार की स्थिति सुधारने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट की सिफारिशों में देश के भीतर रुपया बाजार की स्थिति सुधारने की बात कही गई है ताकि विदेशी ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाया जा सके। साथ ही भारतीय बैंकों को इस बात की अनुमति दी जाए कि वे विदेशी ग्राहकों को स्वायत्तता के साथ ऑफर की पेशकश कर सके। इसी साल फरवरी में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थरोट की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। इस टास्क फोर्स में 8 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उषा थोराट। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के पहले स्पेस स्टार्टअप पार्क के लिए केरल ने किसके साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
ऑप्शन है इसरो, डीआरडीओ, बार्क या वीएससीसी। हाल ही में केरल ने राज्य में भारत के पहले स्पेस स्टार्टअप पार्क खोलने के लिए वीएसएससी के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस प्रोजेक्ट का मकसद स्पेस सेक्टर के ग्लोबल स्टार्टअप्स को आकर्षित करना है। यह पार्क नॉलेज सिटी तिरुवनंतपुरम में खोला जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष विभाग DOS भारत सरकार के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रमुख केंद्र है। महान दूरदर्शी और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की स्मृति में इस केंद्र का नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रखा गया है। VSSC रॉकेट अनुसंधान में अग्रणी है और इसरो के विकल्प प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है। श्री एस सोमनाथ वर्तमान में VSSC के डायरेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन डी, VSSC। इस त्रुटि को आप अपने स्तर पर सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना के लिए 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ऑप्शन है DRDO, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या DAC। हाल ही में DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय नौसेना के लिए 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग में ली गई है जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इसके साथ ही DAC ने इंडिजिनस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के प्रोक्यूरमेंट के लिए भी मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, DAC। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस टीके को मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शंस हैं जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन या वेरिसेला वैक्सीन। दरअसल वेरिसेला वैक्सीन को मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि वेरिसेला वैक्सीन चिकन पॉक्स के लिए दी जाती है। दरअसल अभी रोटा वायरस चर्चा में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी बच्चों को 100 दिनों के भीतर रोटा वायरस वैक्सीन को लगाने का लक्ष्य तय किया है। बच्चों को डायरिया से सुरक्षित करने के लिए यह वैक्सीन दी जाती है। आपको बता दें कि इस वैक्सीन को मिशन इंद्रधनुष में भी शामिल किया गया है। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद गर्भवती महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों को वैक्सीन के जरिए बीमारी से सुरक्षित करना है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा टीका मिशन इंद्रधनुष में शामिल नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वेरिसेला वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 9, घोटू राम मीना को निम्नलिखित में से किस देश के लिए भारत का राजदूत बनाया गया है? ऑप्शन है घाना, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बेनिन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। घोटू राम मीना को हाल ही में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत और कांगो गणराज्य के बीच मधुरता भरे संबंध हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कांगो गणराज्य ने भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। 2014 में भारत सरकार ने कांगो गणराज्य की राजधानी ब्रेजाविले और पॉइंटे नोइरे में परिवहन प्रणाली के विकास के लिए 89.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक क्रेडिट ऑफ लाइन को मंजूरी दी थी। आइए अब यहीं पर कांगो गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ कांगो को देख लेते हैं। यह मध्य अफ्रीका का देश है। यह साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसके अलावा यह अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और गैबन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए अब यहीं पर हम कांगो गणराज्य को भी देख लेते हैं। यह मध्य अफ्रीका का एक देश है। यह साउथ अटलांटिक ओशियन के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। इसके अलावा यह अंगोला, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और गैबन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रिपब्लिक ऑफ कांगो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी दोहरा शतक मारने वाला भारत का सबसे यंगेस्ट बैट्समैन बन गया है? ऑप्शन है शबमन गिल, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ या प्रयास रे बर्मन। हाल ही में 19 वर्षीय शबमन गिल दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा ब्रायन लारा स्टेडियम में वेस्टइंडीज ए के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में किया है। इस मैच में उन्होंने नाबाद 204 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शबमन गिल। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। सुर्खियों में रही काजिन सारा लेक किस देश में है? ऑप्शन है भारत, भूटान, चीन या नेपाल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। अगले सेशन में कुछ नए सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।